सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को जैसा कि अध्याय एक का इस जल प्रलय में जो कि फरिश्वर नाथ द्वारा लिखा गया है का सातवां और अंतिम भाग पढ़ने जा रहा हूँ। इसके बाद आपको इसके प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका जो अंतिम भाग है, आज उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो बात कही गई है, एक बार इसको देख लीजिए। जब कुछ लोगों ने भी झकझोर कर जलाया कि देखो पानी यहाँ तक आ गया था, तुम्हारे घर के पास आ गया है, तब उसकी नींद खुलती है। इसके बाद और भी उसके आसपास आवाज़ सुनाई देती है। अब वो लेखक क्या करता है, आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झांक के लिए पानी आ रहा है, ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। तो यहाँ पर कहने के बाद जब अपनी आँख मलता हुआ उठता है तो वह देखता है कि जैसे मोटी डोली के शक्ल में पानी बिल्कुल उसके सामने आता हुआ, और जैसे कि पानी बार बार उछलता है तो उसमें देखते हैं सफ़ेद सफ़ेद झाग भी निकलते हैं। तो झाग को फेंकता हुआ पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जैसा कि उसने कॉफी हाउस के पास पानी देखा था। पानी के साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल इधर उधर पश्चिमी कोने पर दिनकर अतिथिशाला से एक आगे भंगी बस्ती के पास बच्चे कूद रहे थे। और जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता जा रहा है तो बच्चों का मतलब जो उमंग और उत्साह, उन्हें दुनियादारी या मतलब उसे लाभ हानि या मतलब बहुत नुकसान से उन्हें कोई मतलब होता नहीं है। जिनके अंदर ये समझ नहीं होती है, बचपना होता है उनके अंदर, क्या होता है, बचपना होता है। और बचपन के कारण वो सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं, और उन्हें क्या उस खेल में भी या उस कष्ट में भी उन्हें सुख महसूस दिखाई। एक तरफ तो बाढ़ आ रही है और दूसरी तरफ बच्चे उसमें खेल कूद करके स्नान कर रहे हैं और अपना मनोरंजन कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, आगे देखिए, नहीं बच्चे नहीं पानी है। अब वो दोबारा, ये तो बात कहने का मतलब कि उसे तो लग रहा था कि ये बच्चे खेल रहे हैं, फिर वो सोचता है कि नहीं, वो क्या है, बच्चे नहीं है, वो पानी है। पानी का आकार आप लोगों ने, चलिए इसको देख लीजिए एक बार, वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर एक के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर चार के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहली जो बात, यहाँ पर देखने के बाद थोड़ा सा पानी आता है, तो जो बच्चों के उछलने कूदने की बात यहाँ पर की गई है किस आधार पर, ये तो कुछ परिवेश में लेखक समझता ही, लेकिन वो क्या कहता है कि नहीं, वहाँ बच्चे नहीं खेल कूद रहे हैं, कम पानी के बहाव के कारण। अब बहाव के कारण कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक ऊंचा टीला बना दिया जाता है, और जब ऊंचे टीले से पानी टकराता है तो और तेज उछलता है। ऊंचे टीले से जब पानी टकराता है तो कहता है लेखक इस बात को समझ जाता है कि नहीं, वहाँ बच्चे नहीं खेल रहे, वो पानी अवरोध यानी टीले से टकरा रहा है, इसके लिए बात को ऊपर जा रहा है, और हमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई बच्चे खेल रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बात आपको इसी तरह समझ में आ गई होगी। इसके बाद जैसे ही नंबर एक के ब्लॉक में पानी शवी की पिछवाड़े से पहला रेला आता है, घुसता है, इसके बाद उसके ठीक पीछे ब्लॉक नंबर चार में भी सेठ की दुकान की बाजू में पानी जो है लहरें मारने लगता था। सेठ के बाजू के बाजू का मतलब बगल होता है, बाजू में भी पानी उसकी दुकान में भर जाता है, वहाँ भी पानी भर करके लहरें चलने लगती है, लहरें नाचने लगती हैं। अब क्या होता है, अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। जब इतनी बात मैं देखता हूँ तो क्या करता हूँ कि अब दौड़ करके छत पर चला जाता हूँ। चारों ओर शोर कोलाहल कलरव चीख पुकार और पानी का कलरव लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े के सशक बहने लगा है। कहने का मतलब कि चारों तरफ जैसे जैसे पानी का बहाव तेजी से बढ़ता जा रहा था, चारों तरफ फैल रहा था,
और उस परिवेश में जितने भी मकान थे उसको डुबो रहा था। इस बात को देख करके, इस परिवेश को देख करके सारे लोगों में हाहाकार मच जाता है, सारे लोग शोध करने लगते हैं, ठीक है। और सामने एक फुटपाथ था, वहाँ भी पानी भर गया, पानी भर जाता है। और जो गोलंबर था, गोलंबर के चारों तरफ भी पानी नाच रहा था, गोलंबर पूरी तरह से पानी से घिर गया था। पानी से घिरने का मतलब क्या, पानी में वो डूब रहा था, पानी में डूब रहा था। और पानी का बहाव ऐसे बढ़ रहा था, इतनी तेज बढ़ रहा था जैसे कि वो बिजली के करंट के समान, यानी बहुत ही तेज पानी का बहाव हो रहा था। अब यहाँ पर देखिए, पानी बहुत तेज से बढ़ रहा था, तेजी से बढ़ रहा था, चढ़ रहा है करंट जितना तेज, और वो करंट के समान तेज चढ़ रहा था सोन का पानी। अब उसमें कुछ लोगों के अंदर कौतूहल की बात, एक जिज्ञासा जगती है, और वो जिज्ञासा किस बात की है, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो सोन का पानी है, सोन नदी का पानी है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये सोन नदी का पानी नहीं है, किसका पानी है, गंगा का पानी है। फिर भी दोनों में से किसी का पानी हो, वो तो पानी आ ही रहा था और सारे लोगों को डुबा ही रहा था। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही है, और जो हमारे सामने यानी मकान के सामने दीवारें, मकान थे उनकी दीवारें, वो डूबती, एक एक करके डूबती जा रही थी। और बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया, ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा था, डूब रहा था। कहने का मतलब कि बिजली के जो खंभे थे, बिजली के खंभे के जो काले हिस्से जिसको हम पेंट करते हैं कि वहाँ जंग वगैरह ना पकड़े, तो वो हिस्सा बहुत जल्दी से डूब गया था। इसके बाद वहाँ जो ताड़ का मतलब देखते जानते हैं, ताड़ के जो पेड़ थे वो भी बहुत जल्दी से डूबते जा रहे थे। अब तो ये सारे परिवेश मतलब वो देख रहा अपनी आंखों के सामने लेकर, अब वो क्या कहता है, अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टिप रिकॉर्ड होता। अब वो हम पूछता है, अपने आप से कहता है कि काश मेरे पास एक मूवी कैमरा जिसमें हम वो सारी स्मृतियों को संग्रह कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, अगर वो मेरे पास होता तो शायद ये स्मृतियाँ जो हैं उसको मैं उसका संग्रह कर लेता। अगर टिप रिकॉर्ड होता, एक रिकॉर्डर होता मेरे पास, तो जितनी भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं उसको भी मैं क्या करता, रिकॉर्ड कर लेता। बाढ़ को बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। कहने का मतलब कि बाढ़ तो मैं लेखक की जैसे कि पहले ही बात बताई गई है कि उन्होंने बाढ़ के कई रूपों को देखा है, लेकिन जो बाढ़ का स्वरूप यहाँ पर उसे दिखाई दे रहा है, ऐसी बाढ़ को कभी देखा नहीं था, कभी भी नहीं देखा था। अब वो क्या करता है, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। जो पानी का बहाव था, रेला था, जो एक करंट की तरह पानी बढ़ रहा था, ऐसे बहाव को कभी भी नहीं देखा था उसने। अच्छा हुआ जो रात भी नहीं आया। अब लेखक कहता है कि ये बात अच्छी है कि ये रात में नहीं आया, तो रात में आता तो क्या होता, नहीं तो भय के मारे ना जाने मेरा क्या होता। इन भय मतलब डर, मेरे अंदर डर इतना हो जाता, अगर रात में अगर ये पानी आता तो मेरे अंदर इतना डर हो जाता कि मेरा हाल बहुत ही बुरा हो जाता। देखते ही देखते गोल पार डूब गया, हरियाली लोप हो गई, और देखते ही जैसे लेखक देखता जा रहा था, देखते देखते क्या जो गोल पार था वो क्या होता है, पूरी तरह से डूब जाता है। हरियाली जो कहीं भी दिखाई दे रही थी उसका भी डूब, यानी उसका भी समापन हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था, भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़ वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई, अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब कि जो हरियाली थी वो भी डूब जाती है। अब यहाँ भेड़ों की जो बात की गई है, भेड़ों की बात तो थोड़ा बहुत दिखाई दे रही थी, उसका भी लोप हो जाता, वो भाग करके कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और चले जाने के बाद अब वो सोचता है कि काश मेरे पास ये कैमरा होता या टेप रिकॉर्डर होता, तो वो सारे परिदृश्य को मैं इसमें संग्रहित कर लेता। लेकिन दूसरे परिवेश में कहता है कि ठीक है मेरे पास नहीं, इसका मुझे बहुत ही कष्ट है, इसका मुझे बहुत ही कष्ट है कि इन विषम परिस्थितियों में मैं इसको संग्रह करके, इकट्ठा करके कैसे किसी व्यक्ति को दिखाता। दूसरे अंत में यहाँ पर कहा जाए कि उसके पास एक कलम थी, उस बाढ़ में वो कलम भी चोरी हो जाती है, कलम भी चोरी हो जाती है। तो कहता है कि ठीक है ना, ऐसी परिस्थितियों को देखने के बाद किसके अंदर वो साहस और हिम्मत होती कि जो कुछ लिख सके,
अगर जो भी व्यक्ति मेरे लिखे गए शब्दों को साहित्य को पढ़ेगा या सुनेगा उसे बहुत ही अधिक कष्ट होगा। तो सही है ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे पास ये स्मृतियों को संग्रह करने के लिए न मेरे पास टेप रिकॉर्डर है, न कैमरा है, न तो कलम है। और उस कष्ट को अपने भावनाओं के अंदर ही दबा करके वो अपने अंदर अपने हृदय के अंदर भी समाहित करता है और उस कष्ट को झेलता रहता है। धन्यवाद। आज के डेट में इतना ही। कल मैं आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर भेज दूंगा, लेकिन आज मैं जितना पढ़ाया हूँ आप लोगों को उसके आशय आपको लिख करके भेजना है। धन्यवाद।